हेलो एवरीवन, दिस इज रवि सिंह फ्रॉम यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश एक्सप्रेस। आई एम बैक टू बैक विद दिस लेसन। रियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, स्पेशली दोज हु प्रिपेयरिंग एयरफोर्स, नेवी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो नाउ विदाउट गेटिंग लेट वी शुड स्टार्ट दिस लेसन। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस एयरफोर्स, नेवी एंड सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं। आप इसे अच्छी तरह याद करें। और एयरफोर्स के होने वाले एग्जाम्स COVID-19 के कारण पोस्टपोन्ड है, बट फाइनली दिस एग्जाम्स विल बी हैपन इन जुलाई लास्ट एंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इट मे बी। ओके, सो बी रेडी। ओके गाइज, यू आर जस्ट लुकिंग ऑन द स्क्रीन। ऑटम, इसका प्रोनंसिएशन ऑटम हम लोग करते हैं, जहाँ एन साइलेंट होता है और हिंदी मीनिंग पतझड़। दोस्तों, आप स्पेलिंग टेस्ट पर कमांड कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपने फ्रेंड से या फिर बार बार अपने पेज पे लिख कर आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं। जहां एन साइलेंट है, यहां आप देख। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यहां देखेंगे फिर से। आइटम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं जेलसी, हिंदी मीनिंग ईर्ष्या, जलन। इसका स्पेलिंग आप देखेंगे JELOUSY, जेलसी। आप इसे रिमेंबर करेंगे, जेलसी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इस तरह वर्ड्स आप वन बाई वन सबको देखते जाएंगे। अभी मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आपको। ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स है, इरेस्टिबल, अथक, इसका हिंदी मीनिंग होता है। और इसका स्पेलिंग आप देख रहे हैं IRRESISTIBLE, इरेस्टिबल, अथक, अथक प्रयास। अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। ये ब्यूटीफुल वर्ड्स है, आप इसे याद कर लेंगे, अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमें अथक प्रयास जारी रखना चाहिए, बिल्कुल। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड है पोटैटो, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पोटैटो होता है, नॉट पोटैटो, जिसका आलू हिंदी मीनिंग होता है। आप स्पेलिंग यहां देख रहे हैं POTATO, पोटैटो, ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फिर से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहां पे वर्ड्स। आप देखते जाओ, सबको याद करते जाओ, अपने पेज पे बार बार लिखो, आप बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टमक, STOMACH, स्टमक, दैट्स द हिंदी मीनिंग पेट। ओके, फिर से आप यहाँ देख रहे हैं मार्टर, MARTYR, मार्टर, शहीद, जो देश सेवा में शहीद हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसी को मार्टर हम लोग बोलते हैं। आप इसे याद कर लेंगे, मार्टर, MARTYR, मार्टर, शहीद, बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, आप इसे याद कर लेंगे। ओके, फिर से हम लोग देखते हैं, ये देखिए आप, ये नेक्स्ट वर्ड आ चुका है, डिटेरियोरेट, भ्रष्ट होना। स्पेलिंग आप देख रहे हैं DETERIORATE, बहुत ही सिंपल है, डिटेरियोरेट। और इसका साइनो डिक्लाइन होता है, डिक्लाइन, ख़राब हो जाना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लिखकर यहाँ बता रहा हूँ स्क्रीन पे, आप इसे याद करेंगे, DETERIORATE, डिटेरियोरेट। और इसका हिंदी मीनिंग भ्रष्ट होना होता है। और इसका साइनो डिक्लाइन, ख़राब हो जाना। इस वर्ड्स का यूज मैक्सिमम टाइम बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। इसका साइनो फेल भी यूज करते हैं, FAIL, फेल। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कैरिकुलम, पाठ्यक्रम, हिंदी मीनिंग पाठ्यक्रम होता है, यानी सिलेबस, शेड्यूल, इसका साइनो होता है, इसे याद कर लेंगे। स्पेलिंग आप देख रहे हैं CURRICULUM, बहुत ही सिंपल है, आप इसे याद करेंगे।
CURRICULUM कैरिकुलम, इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन है कैरिकुलम, जिसका हिंदी मीनिंग पाठ्यक्रम होता है, तो आप इसे याद कर लेंगे बिल्कुल। ये एजुकेशनल वर्ड्स है एक कैरिकुलम। ओके कैरिकुलम कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। ये कमेटी है, आप देख रहे हैं CORMITEE, आप यहाँ वर्ड आप देखिए CORMITEE कमेटी। दोस्तों ऐसे वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें डबल लेटर होता है, मतलब समिति होता है, हालांकि साइनो इसका बोर्ड काउंसिल, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। कमेटी का साइनो बोर्ड काउंसिल साइनो है, और आप इसे याद करेंगे बिल्कुल बिल्कुल याद करेंगे आप। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख रहे हैं बजट, BUDGET बजट, वही इसका साइनो फाइनेंशियल प्लान होता है, आप इसे याद करेंगे बजट BUDGET। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टेक्निक, TECHNIQUE टेक्निक मीन्स तकनीक, हिंदी मीनिंग तकनीक होता है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड जेन्युइन आपको दिख रहा है, वास्तविक, GENUINE जेन्युइन वास्तविक, इसका साइनो ऑथेंटिक होता है या ओरिजिनल, आप इसे याद करेंगे फिर से GENUINE। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ओकेजन, मौका, अवसर, OCCASION ओकेजन, बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, आप बस फोकस करते जाइए, जो भी वर्ड है ये कॉन्सेंट्रेट होकर आप देखते जाइए वन बाई वन। नेक्स्ट आपको दिख रहा है परस्यू, दोस्तों ये वर्ड्स मेनी टाइम्स एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसका हिंदी मीनिंग समझना होता है, महसूस करना होता है। परस्यू, PERCEIVE परस्यू, इसका हिंदी मीनिंग महसूस करना, समझना होता है। आप नेक्स्ट देख रहे हैं म्यूजियम, MUSEUM म्यूजियम, यह थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स है तो आप इसे याद कर लेंगे म्यूजियम, MUSEUM म्यूजियम। मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद कर लेंगे MUSEUM म्यूजियम। नेक्स्ट आपको दिख रहे हैं वोकैबुलरी, शब्दकोश, इसका हिंदी मीनिंग शब्दकोश होता है, स्पेलिंग आप देखेंगे VOCABULARY वोकैबुलरी शब्दकोश, इसका साइनो वर्ड पावर होता है, लेक्सिकॉन होता है, इसका मतलब शब्दकोश, लेक्सिकॉन, इसका साइनो मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसे याद करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा सा वर्ड है बट याद हो जाएगा VOCABULARY वोकैबुलरी। साइनो भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको, वर्ड पावर और लेक्सिकॉन, दैट्स द हिंदी मीनिंग शब्दकोश। ओके फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज मिस स्पेल्ड वर्ड्स स्पेलिंग टेस्ट। दोस्तों आज हम लोगों ने मिस स्पेल्ड वर्ड्स को इस वीडियो में कवर किया, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एयरफोर्स के एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेंगे और इसे याद करेंगे वन बाई वन सभी वर्ड्स को, दैट्स वाई ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके ओके फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, आई होप यू एंजॉय दिस लेसन एज मच एज, इफ यू लाइक दिस वीडियो फील फ्री टू कीप अस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ट्रिकी इंग्लिश एक्सप्रेस। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नाउ लास्टली आई वुड लाइक टू से समथिंग, प्लीज डोंट केयर वॉट पीपल से अबाउट यू एंड नेवर ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, नो वन वॉन्ट्स यू टू बी परफेक्ट।
Always prove yourself you are the best. Because you know what you are and what you can be. Guys, you can also follow me on WhatsApp, Facebook, Instagram and Twitter. So I have provided the link of the social sites in description. You know what? Go to description and tap on that link. Okay, I will meet you next video. Thank you. Thanks for watching this video.